morning, church. Here's a short devotion. Namaste, church. Abraham devotion. Okay, from John chapter 6. And verse 68. Simon Peter answered him and said, Patras ne uttar diya, Lord, to whom shall we go? Hey, Prabhu, hum kiske paas jaye? You have the words of eternal life. Anand jivan ke baate to tere hi paas hai. Okay, let's read it fully again. If Chandra can read it in Hindi. Shimon Patras ne usko uttar diya, Yeshu ko, Hey, Prabhu, hum kiske paas jaye? Anand jivan ke baate to tere hi paas hai. Okay, let's pray. Father, we just thank you and praise you. We worship you, Lord. In Jesus' name we pray that you bless this devotion. Amen. Okay, these are powerful words of Apostle Peter. ये जो है बहुत ही सामर्थ्य भरा वचन जो है पत्रस से where can we go? और वो बोल रहे कहां पर हम जाए Now you have the eternal words. आपके पास ही अनंत काल का वचन है Now you have words that give life. और आपके पास ऐसा वचन है जिससे हमें जीवन मिलती है Now Peter knew the truth was rooted in the nature of God. और पत्रस को ये मालूम है कि सच्चाई जो है परमेश्वर के गुण में है And not subject to personal opinions. और उसमें कोई भी व्यक्तिगत जो भी ओपिनियन नहीं है. Okay, it is like truth is grounded in who Christ is. और जो सच्चाई इसमें व्यतीत करते कि परमेश्वर मसीहा कौन है. Okay, the nature of Christ is. और जो परमेश्वर यीशु मसीह का गुण है. Like in fact, Peter understood who Christ is. और पत्रस को ये समझ आ गया कि मसीहा कौन है He is the perfect one. और वो सिद्ध है He is the holy one. और वो जो पवित्र व्यक्ति है And he is the only totally reliable one. और वो ही ऐसा व्यक्ति जिसके पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते And then he says, there's nowhere else to go. और वो बोलते कि कहां पर भी हम नहीं जा सकते okay, that's what truth is. और यही सच्चाई है Truth is, he's perfect. और सच ये है कि वो जो सिद्ध है He is holy. और वो पवित्र है एंड इज टोटली रिलायबल और उसके पर हम पूरी तरह जो है निर्भर हो सकते हैं पीटर इज सेइंग आई कैन सी नन लाइक यू और पत्रस बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं मैं देख सकता हूं टुडे आई वाज जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द ट्रुथ और मैं आज जो है सच्चाई के बारे में बोलना चाहता हूं ट्रुथ हैज थ्री थिंग्स और सच्चाई जो है तीन बातें रहती है नंबर वन ट्रुथ इज यूनिवर्सल और जो सच्चाई वो है पूरा विश्व भर में रहती है ओके ट्रुथ कैन नॉट बी चेंज्ड और जो सच्चाई को बदला नहीं जा सकता ट्रुथ कैन नेवर बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोट और जो सच्चाई जो है बहुत सारे वोटों से भी नहीं हो सकती उसकी ट्रुथ कैन बी रिजेक्टेड बाय मेन और जो सच्चाई को लोग जो है नाकार सकते हैं बट स्टिल रिमेन अनचेंज्ड लेकिन फिर भी वो न बदलने वाला चीज रह सकती है ट्रुथ इज यूनिवर्सल और जो ये सच्चाई जो है पूरे ब्रह्मांड में एक ही है क्राइस्ट सेड आई एम द वे और जब मसीहा ने बोला कि मैं ही मार्ग हूं आई एम द ट्रुथ मैं ही सच्चाई हूं आई एम द लाइफ और मैं ही जीवन हूं नो वन कम्स टू द फादर बट थ्रू मी और कोई भी मेरे पास जो है पिता के सिवा नहीं आ सकता making exclusion aur wahan par wo bol rahe yeshu masih i am the only way to approach to god ki mai ek wo marg ho ki parmeshwar ke paas jaane ke so the truth is jesus christ to sachcha ye hai ki yeshu masih sach hai jesus said to pilate ye yeshu ne pilatus ko bola i am the truth mai sachchai hu lord if you know the truth truth will set you free agar aap sach ko jaan loge sach aapko azad kar degi okay that's what christ would do aur yahi masih kar sakta He gave us freedom. और उसने हमें आजादी दी He sets us free. वो हमें आजाद भी करते हैं Through the opinions of the crowds may change. Those are opinions of the crowd change. हो सकते हैं लोगों का जो है सोचना समझना बदल हो सकते हैं But truth cannot change. लेकिन सच कभी बदल नहीं सकते Truth is universal. क्योंकि सच जो है पूरा ब्रह्मांड में एक ही है Number two, truth is rooted in the evidence. और जो दूसरी बात जो है सच्चाई जो है उसमें प्रमाण में छुपी रहती है Like Peter said. पीटर ने बोला वी हैव कम टू नो दैट यू आर द होली वन ऑफ गॉड और पत्रस बोलते कि हमें मालूम पड़ गया है कि तुम भी जो है पवित्र व्यक्ति हो इन फैक्ट द नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद अगला अध्याय में पीटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइस्ट वाज ग्रांटेड टू हिम बाय द होली स्पिरिट जीसस सेड और जो है पत्रस ये भी बात बोल रहे कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है क्राइस्ट सेज दिस रिवीलेशन ऑफ हु आई एम वाज रिवील्ड टू यू बाय द होली स्पिरिट और जो परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर बोलते मैं जो हूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो है दर्शाई गई नो वन कैन कम टू मी अनलेस इट वाज बीन ग्रांटेड हिम फ्रॉम द फादर इन वर्स 65 और जो है कोई भी जो है इस सच्चाई को बोल नहीं सकते तब तक जब तक कि
पिता नहीं बोल सकते लाइक जीसस इज सेइंग टू पीटर कि यीशु जो है पतरस को बोल रहे हैं फ्लैश एंड ब्लड नॉट रिवील दिस टू यू कि मांस और लहू ने जो है तुम्हें पहचान नहीं गई बट माय फादर द होली स्पिरिट लेकिन मेरा पिता और पवित्र आत्मा ने हैज प्रिपेयर्ड यू टू से दिस ट्रुथ्स कि आपको जो है तैयार किया कि ताकि आप सच बोलो पास्टर शैरन डिड एन अमेजिंग डिवोशन यस्टरडे पास्टर शैरन ने कल बहुत ही अद्भुत डिवोशन किया लाइक it's not do I believe my conscience कि ऐसा नहीं कि जो मैं मेरा अंदर ने विश्वास से विश्वास करता हूं that a certain thing is truth और जो है कुछ चीजें जो है वो सच्चाई रहती है और I'm going with what the maximum people say या फिर जो है जो बहुत सारे लोग करते हैं उसके साथ में चला जाता हूं but truth need to have some evidence और लेकिन सच्चाई में कुछ तो सबूत रहना चाहिए like Jesus said because when we look at Christ's life जब हम मसीह का जीवन को देखते हैं he is unique and separate from others वो अद्भुत और दूसरे लोग से कहीं अलग first है. of all because of what he did और पहली बात तो उसने क्या किया है his miracles और जो भी चमत्कार no his miracles are not magic और उसका चमत्कार जो है कोई मैजिक नहीं है okay turning water into wine और जो है पानी को जो है दाखरस में बदलना it was visible in front of everybody और वो सबके सामने था ये चीज healing a noble man's son और जो है उस व्यक्ति का बेटा को जो है चंगाई देना and by the word by his word और फिर उसके शब्दों से when he multiplied two loaves five loaves and two fish in front of the 5000 people और जो है दो मछली पांच रोटी को बहुत सारे लोगों के सामने उसने बहुत सारे बदल दिए Christ truth as evidence तो मसीह का जो है सच्चाई में जो है उसमें सबूत है बिकॉज ऑफ व्हाट ही थॉट क्योंकि ले उसने जो भी प्रचार किया बिकॉज ऑफ हिज मिरेकल्स और जो भी उसने चमत्कार किए थर्डली तीसरी बात फाइनली आखिर में ट्रूथ मस्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड और जो सच्चाई को या तो कबूलना है या तो नकारना है वी ऑल मस्ट गो समवेयर और हमें कहीं ना कहीं तो सबको जाना ही है ओके वी हैव टू आइदर एग्री और नॉट एग्री या तो हमें जो है उसे कबूलना है या तो नहीं करना है लाइक पायलट हैड अ चॉइस और पिलातुस के पास भी ये चुनाव था ही इज द हेड ऑफ the Roman emperor at that time us waqt jo hai wo mukhya tha Roman ka adhikari okay, he had every authority to accept the truth or reject the truth uske paas pura jo hai pura adhikar tha ki sachai ko kabulna nahi to nakarna his wife got a dream aur uska patni ko jo hai sapna aaya his conscience was not very clear to judge Jesus to send him to the cross uske bhavna mein aisa nahi tha ki wo yeshu masih ko jo hai cross ke upar dal de he washed his hands aur usne apne haath ko dho liya But the truth is, लेकिन सच्चाई ये है like he went with the majority or with the crowd. लेकिन उसने जो है बहुत सारे लोगों के साथ गया वो लोग क्या चाहते हैं Instead of listening to the truth. इसके बगैर कि वो सच्चाई को सुने जो okay, the truth is always in the center of between two. और जो है सच्चाई कभी भी जो है दो लोगों के बीच में रहती है okay, that is the thief who believed Jesus. जो चोर ने जो है क्रूस के ऊपर विश्वास नहीं किया और दूसरे चोर ने जो है विश्वास नहीं किया Doesn't matter like who believes or don't believes. और ये इसकी परवाह नहीं करती कौन विश्वास करते हैं Jesus lost 10,000 people in one day. और यीशु जो है 10,000 लोग जो है उसके पीछे चलना That doesn't mean that he is a liar. और ऐसा नहीं उसका मतलब ये नहीं कि वो जो है झूठा है But he was the truth. लेकिन वो सच्चा है That's beautiful. खूबसूरत है ये And somewhere it said अब कहीं तो ये बोला है I just close with this और मैं इसके साथ बंद करूं To the baker is the bread of life और जो है वो रोटी बनाने के लिए जो है वो जीवन की रोटी है To the banker is the hidden treasure और जो है बैंक वाले के लिए वो जो है छुपा हुआ खजाना है To the florist और जो फूल बेचते हैं इज द लिली ऑफ द वैली और जो है सबसे अच्छा फूल है लिली ऑफ द वैली ओके फॉर द एस्ट्रोनॉमर द वन हु लुक्स एट द स्टार्स और जो तारों की तरफ देखता है एस्ट्रोनॉमर ही इज द मॉर्निंग स्टार और वो जो सुबह का तारा है नो फॉर द थेरेपिस्ट और जो डॉक्टर है ही इज अ वंडरफुल काउंसलर और वो सबसे अच्छा जो है समझाने वाले फॉर द बिल्डर इज द चीफ कॉर्नरस्टोन और जो बनाने वाले के लिए जो है वो नीम का पत्थर फॉर साइंटिस्ट इज द क्रिएटर साइंटिस्ट के जो है वो रचना करता है फॉर द सिनर इज द लैम्ब ऑफ गॉड और जो पापी लोग के लिए जो है वो परमेश्वर का पीठ द पॉलिटिशियन इज द किंग ऑफ किंग्स और जो पॉलिटिशियन लोगों के लिए जो है वो राजा होता है होम शैल वी गो तो
कहां पर आप जा सकते हैं? There are no other options. कोई भी और रास्ता नहीं है. You have words of eternal life. इसलिए आप ही के पास जीवन का वचन है. And we believed in. और हम विश्वास करते हैं. Come to know that you are the Holy One of God. और हमें मालूम पड़ गया कि आप ही जो है सिद्ध और पवित्र हैं. There is nowhere else to go. और कहीं हम जा नहीं सकते. Amen. आमीन. Yeah.